वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा जो समर स्किन केयर रूटीन है, वीकली स्किन केयर रूटीन, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है और उसके कारण आपको जिस तरह से अपने बॉडी का ख्याल रखना होता है, उसी तरह से आपको अपने फेस का भी ख्याल रखना होता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, उसके बाद आपको इतना हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो कि इसमें एक प्रोडक्ट का एक रेंज का फुल रिव्यू है। उसके बाद अगर ये आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपको ना इसमें बहुत सारे डिटेल्स में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का, इस रेंज का, इस ब्रांड का लाइक। तो आपको ना ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाले हैं, या फिर मैंने इसका क्या जो रिज़ल्ट है वो देखा है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देरी किए गाइस, अब हम मुड़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो गाइस, अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में हमारे बॉडी को जितना ज़रूरी होता है पानी पीना या फिर जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो लेना, जितना ज़रूरी होता है मील वगैरह लेना, उतना ही ज़रूरी हमारे फेस को हाइड्रेट रखना ज़रूरी होता है। उसमें डर्ड होती है, जो डेड स्किन होती है या फिर यूवी रेज जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस सीज़न में। क्योंकि अगर आप इतना नहीं कर रहे हो तो टैनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और डिटैन करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर पार्लर में जाओगे तो आपको पता होगा कि डिटेन जो प्रोसेस होती है वो कितनी लंबी चलती है, या फिर कितना उसमें आपका जो मनी है ना वो वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा आप घर पर ही अपने आप ही अपना ख्याल रखो, अपने फेस का ख्याल रखो, बॉडी का ख्याल रखो, तो आपका जो काम है बन सकता है और इतना अफोर्डेबल हो सकता है। इसके लिए ही ये वीडियो मैं आपके साथ लेके आई हूँ। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको उस ब्रांड के बारे में बता देती हूँ कि वो कौन सा ब्रांड है। उस ब्रांड का नाम है प्योर सेंस, और ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। हाल ही में जो मेरी पिछली, अगर आप वीडियो जाके देखोगे ना, तो हाल ही में मैंने स्टार्ट किया है जो भी हमारे मेड इन इंडिया ब्रांड है उन्हें सपोर्ट करने का। अगर वो मुझे कोई प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो उन्हें मैं यूज़ करके देखती हूँ, अगर मुझे वो अच्छे लगे तो मैं उनका रिव्यू करती हूँ। तो इसी तरह से मतलब क्या होता है, हम ना बड़े बड़े ब्रांड का ही ट्राई करते हैं। जो छोटे छोटे ब्रांड होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे मेड इन इंडिया हाल ही में जो अच्छे से आ रहे हैं मार्केट में, अपना मतलब अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आप उससे नहीं इस्तेमाल करोगे तो मेड इन जो इंडिया ब्रांड है वो कभी भी मार्केट में नहीं आ सकते। जो लगे पिगे घिटे पिसे ब्रांड है वही चलते रहेंगे, और अगर इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ ही करना है तो अपना जो भी मनी है वो बाहर जा रहा है। क्यों हम बाहर वालों को दें, अपना मनी अपने देश में रहे तो अच्छा होता है। तो इसलिए मेड इन इंडिया ट्राई करना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। जो प्योर सेंस ब्रांड है उन्होंने पिंक गोवा का जो रेंज निकाली है उसकी आज मैं ये रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस ब्रांड का सबसे पहला और जो पिंक गोवा जो रेंज है उन्होंने लॉन्च की ली है, उसका जो पहला है वो है फेस स्क्रब, और कुछ वो इस तरह के पैकेजिंग में आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरह के पैकेजिंग इसकी वाइट कलर की है, बाकी के जो सारे हैं ना वो पिंक कलर में आते हैं, एक बस ये स्क्रब ही है वो इसमें इस तरह से वाइट कलर के पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। और इस ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को जेंटल एक्सफोलिएशन देगा, उसके साथ अपनी स्किन को क्लियर और रेडिएंट बनाएगा, और ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है ना तो आप इसे बिंदास यूज़ करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो पैच टेस्ट लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो पैच टेस्ट लीजिए, उसके बाद ही अपने फेस के ऊपर इसे यूज़ कीजिए। तो ये तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। तो ये जो पिंक गोरा फेस स्क्रब है ये विद नियासिनमाइन एंड अफ्रीकन मेलन एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, और इसकी जो क्वांटिटी है गाइज वो 50 ग्राम है। तो मैं आपको इसका पूरा दिखा देती हूँ। इसका जो प्राइस है ना वो 400 रुपीज़ है, और जिस
रेंज में आपको लिंक वगैरह जो सब कुछ, इसके प्राइस जो है, इसकी लिंक जो है, आपको प्राइस यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रही होगी, और जो लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसका जो ये डिब्बी है ना, वो कंटेनर आप कह सकते हो, तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद इसलिए आई है क्योंकि इसका जो ये ढक्कन है वो मुझे प्लास्टिक का ही है, लेकिन जो क्वालिटी है ना इनके ढक्कन की, इनके कंटेनर की, बहुत अच्छी है। आप इसे एज ए स्क्रब, मतलब स्क्रब ख़त्म होने के बाद ऐसे ही रख सकते हैं, कोई भी फेस वॉश वगैरह DIY बना के। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। कुछ इस तरह से की डिब्बी है, और इसमें जो फेस स्क्रब है ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ पिंक कलर के इस तरह से है। तो आपका गोवा जो होता है वो किस तरह से हमारे स्किन के लिए हेल्पफुल होता है, हमारे स्किन को ब्राइट करने में, हमारे स्किन को क्लियर करने में, हमारे स्किन को अनइवन जो स्किन होती है ना वो उसको इवन आउट करने में हमारा जो गोवा होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इससे ही बने ही ये प्रोडक्ट है। तो ये कितने आपको हेल्प करने वाले, ये सोचिए गाइस। उसके बाद जो स्क्रब के बाद उन्होंने दिया है मुझे वो है मास्क। तो उन्होंने पूरा रूटीन, जो आप वीकली स्किन के रूटीन जो आप कह सकते हो, पूरा मुझे उन्होंने भेजा है। तो उसके बाद उनका आता है मास्क। तो एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस इस मास्क की जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह की है, और ये क्यूट सा पैकेजिंग में आता है। नीचे ऐसा बेबी पिंक कलर लगा हुआ है, उसके बाद ये वाइट कलर है, ऐसा कुछ है। तो इसका पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम पैकेजिंग है, सेम कंटेनर में आया है, बस कंसिस्टेंसी है वो अलग है, बाकी का सारा सेम है। अंदर जो भी प्रोडक्ट है ना वो कुछ इस तरह के पिंक फॉर्म में ही आता है, और उसी तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा है। और उसकी स्मेल जो है ना वो जो हमारा पेरू वगैरह होता है उस तरह की इसकी स्मेल है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। उसके बाद जो उन्होंने दिया है वो है टोनर, क्योंकि हमें स्क्रब करने के बाद, मास्क लगाने के बाद हम अपने स्किन को प्रिपेयर करते हैं CCM रूटीन करने के बाद, तो वो है टोनर। तो कुछ इस तरह से ये टोनर है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत, मतलब हार्डली बहुत अच्छी है, मुझे इस टोनर की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी है। इसे बस ये स्प्रे फॉर्म में आता है, तो आपको ऐसे स्प्रे करना है, और इसकी जो स्मेल भी है ना वो भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद इसकी जो लिक्विड है ना इसमें वो भी कुछ पिंक फॉर्म में ही है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका बॉक्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसमें पूरा से लिखा हुआ है कि किस तरह से है। और ये भी विथ रोज वाटर एंड पोमोग्रेनेट से बना हुआ है, आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड स्मूथेस करता है, ऐसे ये क्लेम करता है, और ये अल्कोहल फ्री है। तो इनके सारे प्रोडक्ट जो है ना वो पैराबेन फ्री, अल्कोहल फ्री, जो हमारे अर्थ के लिए बेनिफिशियल ऐसे कुछ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है उनका। सो आप गाइस ट्राई ज़रूर कर सकते हो। लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है आपका मॉइस्चराइज़र कह सकते हो, या फिर डे क्रीम कह सकते हो। तो उन्होंने ये मुझे पिंक गोवा डे क्रीम भेजी है, जो कि है विथ पोमोग्रेनेट एंड बैंकॉक SPF 20 एंड UV प्रोटेक्शन। तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है एवरी डे के लिए, और मॉइस्चर को आपके लॉक करती है, ऐसा यहाँ पे मेंशन है, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। और मैं आपको बताऊँ, इसके जो फॉर्मूला है ना वो नॉन ग्रीसी है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लगाने के बाद कोई वाइट कास्ट वगैरह नहीं छोड़ता है, और नॉन ग्रीसी होने से अच्छा, मतलब अभी गर्मी है तो नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट में लगाना पसंद करती हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको इतना पूरा ऐसे दिखा देती हूँ, ऐसे ना अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा आपके स्किन में, आपको लगेगा अभी नहीं कि मैंने कुछ लगाया है। और इसे अच्छे से शाइन भी देता रहता है, और मुझे ना इसे थोड़ा सा लगाने के बाद ना ऐसा ना फील होता है, मेरे स्किन को ऐसा फील होता है कि कुछ मैंने ना ऐसा ठंडा सा लगाया अपने स्किन के ऊपर। तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये सारे जो रेंज है ना वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए हैं। उनका डिटेल जो प्रोडक्ट का मैं रिव्यू है ना मैं आपको बता दिया है, मतलब डिटेल नहीं लेकिन हल्का फुल्का मैंने बता दिया है। तो डिटेल जो है आपको आगे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ मैं कैसे इसे यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इसकी प्राइस पूछ सकते हो, कुछ भी आपको लगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उसके साथ साथ कॉमेंट कीजिए, हमें बताइए आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।